सुबह से बारिश लगा रखा था, अभी धूप हो गया है। ये मामू का बाइक पे जाएंगे, सोच रहे हैं ये बाइक भी ले आए। अभी जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस साइड जाएंगे, लेके जाएगा जहाँ ट्रेनिंग ऑफ मोटर्स ट्रेनिंग है ना, जहाँ पे नाम लिखवाए थे लाइसेंस के लिए, वहाँ पे बुलाया, बोला कि ये फ़ोटो का कुछ काम होगा, फ़ोटो खींचना होगा, और क्या बोला, कुछ और बोला था, याद भी नहीं है। बाइक को अंदर रखते हैं, मामू का बाइक से ही जाएंगे। बतायो देखो, पंडाल यहाँ पे भी बन रहा है, बहुत जगह बन रहा है। वो पीछे में भी एक है, इस तरफ भी एक है। ये सब लाइटिंग देख रहा, सब पूजा के लिए लगा है। ये डेली का हो गया, डेली इतना जाम लगता है, पहले जाम नहीं होता था, अब आज से देखो जाम होते ही जा रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही लकी है, गेट खुला हुआ है, नहीं तो यहाँ हर समय रोकना पड़ता है। ये मेन हाईवे, हाईवे से आ गया नंबर नौ, कुछ दिन इसी नंबर नौ की वजह से ही बंद था पूरा, सेकेंड ब्रिज बंद कर रखा था। कुछ दिन रैली निकला था ना, उसकी वजह से पूरा रास्ता बंद था। अभी फिलहाल हम लोग का बस यहाँ से उस तरफ घूर जाता है, हम लोग सीधा जाएंगे। मामा जी पता नहीं कौन सा गली से लेके जा रहे, हम 3 से 4 बार आ चुके हैं, मामा जी लेके आए थे गली से, ये इतना बार आते हुए भी हमको याद नहीं कौन सा रास्ता जाता है, गली याद ही नहीं होता। ये मार्बल सेंटर कब बन गया हमको तो पता ही नहीं, कितना बार आए नहीं देखे, दिखाई नहीं पड़ता मार्बल सेंटर, नया नया बना होगा। ये बड़ा वाला जगह में आ गए हैं, मामा जी को कुछ काम है यहाँ पे, मामा जी का काम हो जाएगा उसके बाद चलेंगे। हेलमेट पहनने से पूरा सर भीग जाता है पसीना से। वैसे ये देखो, ये बहुत बड़ा जगह है, मामा जी को इस बिल्डिंग में कुछ काम है तो गए हैं, बोले तुरंत आ रहे हैं फिर चलेंगे। मामा जी आ गए, चलते हैं, इधर बारिश हुआ था। A few moments later, ये मेरा पेपर सब है, आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं, और वो जो भैया है ना मोटर स्कूल वाले, वो बोले हम 12 बजे तक आते हैं, वहाँ लाइन लगाना होगा तो तुम जाओ वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं, लाइन लगाएंगे, वो आएंगे तो देखा जाएगा क्या करना है। ये दो भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, उन लोगों का भी काम है आरटीओ में, मेरा जो काम है शायद उन लोगों का भी सेम काम है, रास्ता खोद डाला है पूरा इसी। One hour later, वहाँ शायद एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कुछ हो गया है। अच्छा ये हॉस्पिटल है और उधर आरटीओ ऑफिस है, वो वाला उनको कुछ हुआ है, हॉस्पिटल सामने लेके जाओ अंदर तो नहीं है। वो सीपी का बंगलो है, वो बस स्टॉप है। ये सब देखो क्या बनाया है, छोटा भीम का कैरेक्टर सब बना रखा है बोलो। वैसे हम वापस जा रहे थे वहाँ ट्रेनिंग स्कूल में, मामा जी वहीं पे आते, लेकिन मामा जी को अभी काम है तो मामा जी बोले तुम चले जाओ घर, हमको टाइम लगेगा, तो अब सीधा घर चलते हैं। पूरा बस खाली है, चलो साली मारा जाए तरफ। वो देखो सुपरमार्केट का एस 13 हो गया, ये नया नया खुला ही था, फिर बंद हो गया पता नहीं क्या, दुर्गा पूजा में शायद फिर खुल जाए। यहाँ पे भी पंडाल बन रहा है, रेडी हो रहा है, काम चल रहा है। मामा जी शायद अभी तक नहीं आए हैं, बाइक निकालते हैं घर चलते हैं, हमको प्यास लग गया बहुत जोर से, इधर से खोले इधर से चलते हैं। हम लोग के वहाँ तो पानी जमता है, हम बाइक यहीं ला कर रखेंगे। यहाँ वाला भी बन रहा है, बारिश लगा दिया है, हल्का हल्का हो रहा है,
जल्दी चलते हैं घर, नहीं तो भीग जाएंगे हम, मेरा बाइक भी भीग जाएगा। मम्मी बोली है चना दाल लेके आने, लेते हैं आराम से, ले लेंगे चलेंगे। सुबह को घर आते ही बारिश चालू हो गया था, बहुत ज़ोर से हो रहा था, पानी जमा हुआ है, हल्का फुल्का तो बादल है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रहा, हवा तो बह नहीं रहा है, फिर भी एक दो पतंग उड़ रहा है। अभी मम्मी हमको एक तो डेरे मिलती, पता नहीं कब लाए, खाते हैं इसको। तब से अंधेरा कर रखा था, अभी देखो पूरा येलो येलो कर रखा है, ऊपर जाके दिखाते हैं। अब तो ये बन गया है ना, तो थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। हाँ देखो येलो हो रखा है, वो वहाँ है सन, मतलब वहाँ सन नहीं है, सन तो नीचे गया, वहाँ पे लाइट दिख रहा है। मम्मी पूरी पका रही है, पूरी जो रात सुबह भोर में वो क्या है, वो छोटा सा ये मड़वा का टपक जल गया है, जल गया। और ये आलू और क्या देख के बनाई, झिंगली, झिंगली मतलब समझते हो, ऐसे लंबा लंबा होता है ग्रीन रंग का, तुरई, तुरई। वो क्या होता है तुरई, मम्मी को देखो हेयर बैंड लगा रखी है, लाल लाल केस सब उर के सामने आ जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, इसीलिए। तो ये सब किस लिए बना रही है, अच्छा इतना कम क्यों बनाई है, सिर्फ हम खाएगा इसीलिए, पूजा है, जीतिया पूजा है ना, कब है पूजा, कल, कल पूजा है, लेकिन हमको कॉलेज जाना है, जल्दी आ जाएंगे कॉलेज से, रात में उठ के कितना बड़ा बड़ा बना रही है, ये रात उठे तो कौवा लोग को देगा ये कौवा को, पता नहीं कि कौवा लोग को देगा तो खाएगा, हम फिर सुबह से उपास रहेगा। ठीक है बना लीजिए। मम्मी देखो क्या बनाई फिर से, मटर, थक गई है मम्मी जी, पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। The next day, पानी फिर जम गया है, सुबह से बारिश हो रहा था तो थोड़ा जम गया, क्रॉस करते हैं उस तरफ भी रास्ता है, पानी जमा रहता है। मम्मी जी इतना सारा झोला क्यों लिए, छाता भी है, तीन छाता है ना सबके लिए, है क्या, बहुत बारिश हो रहा था सुबह से, अभी बंद हुआ है। हम एक डेरी मिल्क भी ले लिए हैं, मम्मी आज उपवास है ना, वही बोल रही है हमको मत दे देना गलती से, उस तरह वो नया दुकान खुला है बैंक के पास में, वैसे डेरी मिल्क खा रहे हैं। इधर भी बारिश हो रखा है, ऊपर तो और बादल लगा रखा है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है रास्ता, वैसे ऑटो में आ गए थे वहाँ से। आज विश्वकर्मा पूजा है और जितिया पूजा भी है, वैसे डॉक्टर यहाँ बैठता है, ये दिव्य दृष्टि है ना यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। A few moments later, अभी बहुत भीड़ है डॉक्टर के पास, वैसे डॉक्टर भी ओटी में, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में, तो अभी तो होगा नहीं, वापस जा रहे अगले सैटरडे आएंगे। वो दारू के लिए बोल रहा है, बोल रहा है इललेजिमेट दारू नहीं पीने के लिए। जितिया भूत रही है, मम्मी का वो पुराना वाला था ना, नया बनवा दिया। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, टर्टल का भी है, लास्ट टाइम भी आए थे, लास्ट टाइम आए थे तो और ज़्यादा था, इस वक्त कम है। वहाँ पे डीओ सब है, इतना सारा दिख रहा है ना, वो डीओ है, वो ट्राई किया अच्छा नहीं था। बहुत सारा ड्रेस है यहाँ के, देख सकते हो। हम लोग का तो हो गया, पेमेंट भी हो गया, मम्मी को कन्फ्यूजन था वो लेके ये फाइनल हुआ ये वाला। वो वहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा है, वो लंबा सा दिख रहा है ना, नया बन रहा है, पूजा आ रहा है ना इसलिए इतना भीड़ है, अभी से लेकर तो पूजा भर भीड़ रहेगा ऐसा।
शॉपिंग करेगा सब कोई। मामू के साथ आते हैं ना वो मोटर स्कूल जब जाते हैं तो उस वाले सामने गली से निकलते हैं उस तरफ जाते हैं। वहाँ ऊपर में भी पूजा हो रहा है वो देखो वहाँ तिरपाल बांध रखा है वहाँ पे। हम लोग का फ्रिज यहाँ से लिया गया सोचे थे लैपटॉप भी यहीं से लेंगे यहाँ पूछे थे यहाँ नहीं मिला फिर गए थे ई मॉल। हाँ हाँ इसमें से ही टीवी ले लेंगे एक टीवी तो हम लोग का ख़राब हो रखा है ना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हम लोग का टीवी भी चला गया।